तंबाकू युक्त गुटखा और अन्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक के बाद भी जिले में खुली तंबाकू का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोमवार को शहर में संचालित हो रहे तंबाकू पैकिंग और बड़े कारखानों पर प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्यवाही कर करीब 40 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त कर दो कारखाने सील किए हैं। यह कार्यवाही एसडीएम के नेतृत्व में नगरपालिका, खाद्य, ड्रग, श्रम, सेल टैक्स आदि विभागों ने की। मिली जानकारी अनुसार दोपहर करीब 2 बजे अमला खंडवा रोड पहुंचा। यहां प्रतिष्ठित फर्म ब्रजेश टोबोको के 3 मंजिला गोडाउन में अफसरों के साथ करीब 20 से अधिक कर्मचारियों का अमला पहुंचा। खंडवा रोड पर कार्यवाही के दौरान अफसरों को बेला मार्ग पर भी तंबाकू कारखाना संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद अफसर दोपहर करीब 3:30 बजे बेला मार्ग पहुंचे। एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल ने बताया कि अवैध तरीके से तंबाकू कारखाने संचालित की शिकायत पर कार्यवाही की है। मौके पर जांच के दौरान गंदगी में सड़ी गली तंबाकू को पैकिंग किया जाना पाया गया है। खंडवा रोड और बिरला मार्ग स्थित तंबाकू कारखानों को सील किया गया। शुरुआती गिनती में 40 लाख की तंबाकू जब्त की है। करीब 8 विभागों द्वारा अनुमति, रजिस्ट्रेशन, टैक्स आदि की जानकारी जुटाकर कार्यवाही कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। को मैं पूर्व में सूचना दी थी और इसको ट्रेस करवाया गया है और यहाँ पर ये बहुत खराब कंडीशन में अवैध रूप से तंबाकू का कारखाना संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। क्या कार्रवाई की गई सर? तो अभी सबसे पहले ये तंबाकू कारखाने को ट्रेस किया गया है और यहाँ पर किसी प्रकार की इसको अनुमति नहीं है और यहाँ पर खराब तंबाकू को खाद्य पदार्थ के रूप में पैक किया जा रहा था और वहाँ पर बहुत अनकंडीशनल जगह पर मजदूर काम कर रहे थे। बिल्डिंग आप खुद देख रहे हैं कि बहुत गंदी जगहों पर उन तंबाकू को अवैध तरीके से पैकिंग किया जा रहा था और जो अभी प्रिंट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।